स्वागत है आपका रश्मि क्रिएशन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत टेस्टी सी दाल मखनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसा ही टेस्ट मिलता है ना। बहुत आसानी से घरेलू सामान से आप दाल मखनी बनाइए टेस्टी। रेशियो पे ध्यान दीजिएगा, जितनी सामग्री की मेज़रमेंट मैं बताऊंगी बस उसे फॉलो करके बनाइए। बहुत टेस्टी सी दाल मखनी बन करके आपकी रेडी हो जाएगी। तो चलिए, यहाँ पर मैं हाफ कप उड़द की दाल, गोटी उड़द की दाल जो काली वाली आती है जिसे अक्खा उड़द भी बोलते हैं, हाफ कप ली हूँ। और यहाँ 1/4 कप राजमा, इन दोनों को मिक्स करके अच्छी तरह पानी से वॉश कर लेंगे और पूरी रात के लिए इसे भिंगोने के लिए रख देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। यदि आपको रात में बनानी हो तो आप इसे सुबह भिंगोएं, और यदि सुबह बनानी हो तो रात में भिंगोएं। यहाँ देखिए, रात भर भिंगोने के बाद ये हमारी दाल और राजमा बहुत अच्छी तरह फूल गई है। ऊपर में ब्लैक ब्लैक पानी हो गया है इसका, उस पानी को हम हटा दिए हैं और इसे कुकर में डालेंगे और फ्रेश पानी डालेंगे। पानी देखिए, बस हमारी उंगली की जो पहली लकीर है उतनी होनी चाहिए, मेज़र करके डालेंगे। नमक डालेंगे और इसे गैस पर रख करके इसे फुल हाई फ्लेम पे पहले रखेंगे, और जब पूरी तरह गैस बन जाएगी तब हम कुकर को स्लो कर देंगे। स्लो करके इसे करीब 20 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। यहाँ मैं गैस पे कढ़ाई रखी हूँ, इसमें बटर डाली हूँ 2 चम्मच, साथ में हींग, जीरा तड़काऊंगी। ये दाल मखनी है तो बटर इसमें बहुत ज़्यादा लगती है, इसका पूरा ध्यान रखिएगा। और मक्खन, यहाँ पर मैं अदरक और लहसुन के कतरन डाली हूँ, 1-1 चम्मच अदरक और लहसुन के कतरन इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह कलर चेंज होने देंगे। साथ में 2 प्याज को छोटे छोटे आकार में कट कर लिए थे। यहाँ मैं 4 टमाटर ली हूँ, कलर चेंज होने तक इसे भुनेंगे और टमाटर को काट के उसकी प्यूरी बना लेंगे, स्मूथ पेस्ट। टमाटर के जो पेस्ट थे उसे मैं ऐड कर दूंगी, और बस टमाटर डालते ही नमक डालने की बहुत आवश्यकता हो जाती है, तो यहाँ हम हल्दी, मिर्च और नमक स्वादानुसार ऐड कर देंगे। और यहाँ पर ये मिक्स मसाला मैं डाल रही हूँ, यदि आपके पास ना हो तो 1 चम्मच जीरा, धनिया पाउडर इसे ऐड कर देंगे, साथ में थोड़ी सी ब्लैक पेपर। ये हमारे पास मसाले में सभी कुछ मिक्स है, इसलिए मैं मिक्स ही डाल दी हूँ। और इसे देखिए, ऑयल सेपरेट होने तक अच्छी तरह भूनेंगे। यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्च ऊपर में बस इसी स्टेज में कट करके डालेंगे। यहाँ पर दाल बहुत अच्छी तरह बॉयल हो गई है, 20 मिनट तक इसे अच्छी तरह मैं बॉयल कर ली थी। दबा के देखेंगे, देखिए ये अच्छी तरह गल चुकी है दाल और राजमा जो बॉयल हो गई थी, बस इसे ऐड कर देंगे। दाल बॉयल करते समय बस एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कुकर को शुरू में हाई पे रखना है और जब पूरी तरह प्रेशर बन जाए तो गैस को बिल्कुल धीरे कर दीजिए और इस तरह 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह बॉयल होने दीजिए। उसके बाद जब कुकर का गुस्सा बिल्कुल ठंडा हो जाए तभी आप उसके ढक्कन को खोलिएगा, और यहाँ दाल डालने के बाद अच्छी तरह एक मिक्स देंगे और अच्छा से 1 से 1.5 ग्लास पानी डाल देंगे और ढक्कन लगा के अच्छी तरह पकने देंगे। दाल मखनी में समय लगती है, इसे बहुत अच्छी तरह पकनी बहुत ज़रूरी है ना। तो धीरे धीरे आँच पे, मध्यम आँच पे इसे आप छोड़ दीजिए और ये बहुत अच्छी तरह से पक जाएगी। लगभग 20-25 मिनट बिल्कुल स्लो आंच पे पकने के बाद अब बारी आती है मक्खन
और क्रीम डालने की। तो यहाँ पर मैं 3 बड़े-बड़े चम्मच भर के मक्खन डाल रही हूँ और बाकी के मक्खन जब मैं दाल मखनी सर्व करूँगी तब ऊपर से ऐड की जाएगी, है ना। तो बस बहुत अच्छी तरह एक स्टर दे देंगे और यहाँ पे लगभग 1 कप गाढ़ी क्रीम मैं डालूँगी। ये आप अमूल वाली क्रीम भी डाल सकते हैं, ये मैं अमूल की ही क्रीम डाल रही हूँ, या फिर घर में जो आप क्रीम इकट्ठा करते हैं मलाई से वो भी डाल सकते हैं, है ना। और बहुत अच्छा सा एक स्टर दे देंगे और फिर ढक्कन लगा करके फिर और थोड़ी देर पकने देंगे। यदि आपको लगे कि पानी कम हो गई है तो थोड़ी सी पानी ऐड कर दीजिएगा, मगर इसे पकाइएगा ज़रूर। दाल मखनी को बहुत अच्छी तरह देर तक पकनी चाहिए ताकि सभी मसाले, क्रीम, मक्खन सब एक सार हो जाए। बस ये लगभग बन चुकी है, यहाँ पे मैं धनिया पत्ती डाल दूंगी और अब गैस को बंद कर देंगे। ये बहुत टेस्टी सी दाल मखनी बनी थी, सभी को बहुत पसंद आई है। देख सकते हैं थोड़ी देर बाद ये कितनी गाढ़ी हो गई थी। बस ऊपर से मलाई से गार्निश कर देंगे और जब आपको इसे सर्व करनी हो तो इसे गरम गरम कीजिए और ऊपर से बटर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप इसे नान, कुलचा, राइस किसी के साथ भी खा सकते हैं और रियली आप होटल जाना भूल जाइएगा, कितनी स्वादिष्ट दाल मखनी बनती है। तो बस इस तरह से दाल मखनी बनाइए और हमें ज़रूर बताइएगा आपकी दाल मखनी कैसी बनी थी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारी गुजारिश है सब्सक्राइब यदि नहीं किए हों तो कर दीजिएगा।